आज जो मेरे शक्ल पे आप एक्साइटमेंट देख पा रहे हो, ये यहीं के देन है। ये मैंने अपने अंदर वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट कभी सोची नहीं, कभी मैंने कभी वो एक्साइटमेंट फील ही नहीं करी, सिवाय इसके कि जब तक मैं नशा नहीं करता था। लेकिन आज जो सांस भी मैं ले रहा हूँ, वो एक और एक खुशी जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई है और बोलने की, वो सिर्फ शफा की देन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरजोत, एक सुधरता हुआ नशेबाज। मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ अपनी खट्टी मीठी यादें शफा होम के साथ, कि मेरी कैसे रही यहाँ की जर्नी और कैसे मैं उस नशे के चंगुल से छूट पाया। मैं आपके साथ आगे कुछ वक्त और कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। अगर मैं शुरुआत करूँ तो अपने पास्ट लाइफ में मैं एक व्यवहारों से पीड़ित और एक यूजिंग एडिक्ट था, और कैसे मैं यहाँ पर आया, कैसे वो मेरे में चेंजेस आए, आइए सुनेंगे। यूजिंग, अकेले रहना, माँ बाप से दूर, दोस्तों यारों से दूर, सोशल ओकेजन्स पे नहीं जाना, सिर्फ मैं और मेरी यूजिंग और मेरा अकेलापन। एकदम हताश, निराश और बिल्कुल अकेला रह चुका था। लेकिन अब मुझे नहीं पता था कि मेरी बारी यहाँ पर आने की होगी। जब मैं यहाँ पहुँचा और यहाँ आकर देखा कि एक ज़िंदगी नशे के अलावा भी कितनी सुंदर होती है, कितने अच्छी होती है, आप किस नज़रिए से, नज़रिया ही अलग हो जाता है। यहाँ आकर प्रोग्राम को जाना, जैसे कि कन्फ्रंट्स और पुलअप। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कन्फ्रंट पुलअप क्या बोल रहा हूँ। कन्फ्रंट्स जैसे कि आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी भाई की आप हेल्प कर रहे हो, तो वो हेल्प आप उसकी ना करके खुद की ज़्यादा कर रहे हो। यहाँ पे बताया जाता है कि सामने वाले पे 30-20% उसका इफ़ेक्ट होता है, बाकी 70-80% वो आपकी मदद करते हैं। कोई भी छोटी से छोटी बात, जैसे कि साबुन ना धो के रखना, दूसरे के बारे में ना सोचना, कभी ये पास्ट में मैंने अपने पास्ट में इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन जब यहाँ पे आके उन छोटी से छोटी चीज़ों की अहमियत दिखाई गई, बताया गया, जैसे कि कश्मीर जाना, लैंस डाउन, ऋषिकेश, मैं बताना चाहूँगा इन तीनों जगहों पर आज तक पिछले 36 सालों में मैं कभी जाने के बारे में सोच तक नहीं पाया। नशे के इतने ज़्यादा गिरफ्त में रहने के बाद जब आज की तारीख में मैं नशे से दूर हूँ, तो इन चीज़ों के साथ ऐसी जगहों पर घूमने का एक अलग ही नज़रिया, खुशी महसूस कर पा रहा हूँ। जो पहले अलग और नशे में रहता था, आज की डेट में इतने भाइयों के साथ वो एक ट्रिप एंजॉय करना, वो एक जगह पर जाना, जो कि मैंने पास्ट में कभी भी नहीं ध्यान दिया उस चीज़ के बारे में। एक एंजॉयमेंट क्या होती है सिवाय नशे के, सिवाय यूजिंग के, सिवाय उन चीज़ों के जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, जो कि मुझे एक सभ्य इंसान बनने से रोक रही थी। आज की डेट में रिकवर करते हुए मैंने उन चीज़ों का लुत्फ लेना तो सीखा ही, बट एक सभ्य समाज में कैसे रहा जाता है, अपने व्यवहारों को चेक में रखे, अपने बिहेवियर्स को देखे कि मैं दूसरों को हर्ट तो नहीं कर रहा, मैं दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेल तो नहीं रहा, अहमियत दिखाई दे रही है आज की डेट में। अपने बारे में इतनी चीज़ें सीखने को मिल रही है जो कि शायद ज़िंदगी में कभी सीख नहीं पाया, जैसे कि एंकरिंग करना, जैसे कि स्टेज परफॉर्मेंस करना, रात रात तक जागना प्रैक्टिस के लिए, रात के 1:30-1:30 बजे तक जागना, वो एक परफॉर्मेंस जो कि 10 मिनट की होती थी, उसके लिए 25-25 मिनट तक लगातार प्रैक्टिस करना, आधा आधा घंटा बिना ब्रेक के वहाँ पे डांस करना, परफॉर्म करना, एंकरिंग करनी, जो कि आज तक मैं स्कूल या कॉलेज में कभी कर नहीं पाया, यहाँ पे आके करने को मिला, मुझे मौका मिला, मुझ पे वो भरोसा किया गया जो कि बाहर सबका भरोसा तोड़ के मैं यहाँ पहुँचा। तो यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी कि आगे जाके मैं समाज में, दुनिया मेरे पे भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके, और मैं अपना वो भरोसा कायम रख सकूं। रंजन सर ने और यहाँ के स्टाफ ने जो भरोसा, जो एक जिम्मेवारी मुझ में दिखाई, मुझे दिखाया कि मैं भी एक नशे को छोड़ के जिम्मेवार व्यक्ति बन सकता हूँ। नशा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है एक समाज में एक सभ्य इंसान और एक सुधरा हुआ इंसान बन के रहना। तो आज की डेट में मैं वही सब सीख पा रहा हूँ। तो अगर एक मैं कंपैरिजन करूं पास्ट में और आज में, ज़मीन आसमान का अंतर है।
आई एम प्रिटी श्योर मेरे पेरेंट्स ये सब सुन के बहुत खुश होंगे, और मेरी तरह ही जितने भी और भाई हैं उन सभी के पेरेंट्स उनको देख के, उनके बारे में सोच के आज की डेट में वो बिल्कुल ही निश्चिंत है, क्योंकि उन्हें पता है उनका बच्चा, मैं और जितने भी यहाँ संस्था में और मेरे भाई हैं, वो सब एक सेफ हैंड में, वो सब एक सुंदर माहौल में। मेरे को जो जो यहाँ महसूस हुआ, रात रात को जागना, वो इवेंट्स के लिए, गांधी जयंती फॉर एग्जांपल, जो कि बाहर में कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाया, 15 अगस्त, पंद्रह अगस्त में तो हम यही सोचते हैं कि पतंगे उड़ानी है, लेकिन उसके अलावा इतना कुछ करने को मिला 15 अगस्त में। फैमिली पूरी इन्वॉल्व होती है, गांधी जयंती, होली, होली पे तो इस बार ही हमने फैशन शो करा, क्योंकि शायद ही हम में से किसी ने सोचा होगा। दिवाली, यहाँ दिवाली एक अलग ही तरीके से मनाई जाती है, घर में क्या 5-10 लोगों के साथ हम मना सकते हैं, लेकिन बाहर यहाँ पर आके 100 से भी अधिक लोगों के साथ मैंने इस बार दिवाली मनानी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नए साल की, तो शायद ही कोई कई सोसाइटी में या कहीं भी किसी मोहल्ले में ऐसी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होती होगी जैसे कि यहाँ मैं देख पाया इस बार। मतलब 100-150 लोग इस तरीके से नया साल मना रहे हैं, ये सब भूल गए क्या नशा, क्या फैमिली, उनके लिए यही फैमिली है, वो खुशी महसूस कर पाना, वो एक हंसना मुस्कुराना, हर चीज़ छोटी सी छोटी चीज़ के अंदर उस चीज़ का महत्व देख पाना, आज की डेट में खुलेपन से जी पाना नशे के सहारे के बिना। तो मैं इसी नोट पे एंड करना चाहूँगा भाइयों, कि जो चीज़ें मैं बाहर नहीं देख पाया, सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, आज अपनी फैमिली से दूर होने के बावजूद उनकी अहमियत मैं महसूस कर पा रहा हूँ, बिना यूजिंग के, बिना नशे के, इतने भाइयों के अंदर मुझे नहीं महसूस हो पा रहा कि मैं यहाँ पे अनजान लोगों के साथ हूँ। मेरे लिए सब यहाँ जितने भी भाई हैं वो सब मेरे अपने हैं, मैं उनमें अपना रूप देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ जैसे मैं आया था एक एडिक्ट, आज जैसे मैं सुधर पाया, जैसे मुझे यहाँ पे स्टाफ द्वारा, रंजन सर द्वारा सिखाया गया, मेरे काउंसलर्स द्वारा सिखाया गया, वैसे ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये चेन चलती जाएगी, ये चेन की मुहिम चलती जाएगी, और शफा होम ऐसे ही दुनिया को सुधारने का बीड़ा उठाए रखेगा। यहाँ पे आके अपने शफा परिवार के साथ आके वो खुलेपन से जीना, वो एक चीज़ एक खुलेपन में सांस लेना, बिना नशे के, बिना किसी बंधन के, बिना किसी रोक टोक के खुलेपन से जीना। अगर मैं सोचूं कि मुझे रोका टोका गया या नहीं, यहाँ खुलेपन से रह रहा हूँ, ऋषिकेश में वहाँ पे राफ्टिंग करनी, जो कि लाइफ में कभी नहीं कर पाया, हर बार उस चीज़ से डरता था जब भी मुझे मौका मिला, लेकिन यहाँ मेरे अंदर वो हौसला पैदा किया गया, मेरे अंदर वो भरोसा दिखाया गया। ऐसा नहीं था कि वो मेरे पीछे चल रहा है या मेरे को साथ लेके चल रहा है, मैं खुलेपन से अपनी विल से सर को मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर मैं यहाँ जाना चाहूँगा, सर ने किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, किसी चीज़ का यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। आज जो मेरे शक्ल पे आप एक्साइटमेंट देख पा रहे हो, ये यहीं के देन है, ये मैंने अपने अंदर वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट कभी सोच ही नहीं, कभी मैंने कभी वो एक्साइटमेंट फील ही नहीं करी, सिवाय इसके कि जब तक मैं नशा नहीं करता था, लेकिन आज जो सांस भी मैं ले रहा हूँ वो एक, और एक खुशी जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई है और बोलने की, वो सिर्फ शफा की देन है। और मुझे पता है शफा होम के द्वारा मेरी रिकवरी अगर पॉसिबल है तो हर उस नशेबाज की रिकवरी पॉसिबल है जो कि अपने आप को सुधारने की मुहिम लेकर यहाँ आता है। शफा, 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 शफा।